गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एजुकेशन. एजुकेशन, दिस इज द टॉपिक फॉर एवरीबडी. एवरीबडी इज लुकिंग फॉर बेस्ट स्कूल, बेस्ट टीचर एंड बेस्ट रिसोर्सेज फॉर हिज चिल्ड्रन. हर इंसान जो अपने बच्चों के बारे लिए सबसे अच्छी एजुकेशन उन्हें देना चाहता है, और हम लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो एजुकेशन के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी. पेरेंट्स की लिटरली सिचुएशन ये रहती है कि भाई वो कभी अच्छे से अच्छे टीचर के पास भेजते हैं पर, और अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं और उन पर अपनी बहुत मनी खर्च करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं आते. और इसमें उनको अपनी जो है प्रॉब्लम्स को बच्चे की समझना पड़ेगा. फर्स्टली उन लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फर्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स आर द फर्स्ट एंड लास्ट टीचर. पेरेंट्स जो है किसी भी बच्चे के पहले और आखिरी या हमेशा ही टीचर वही होंगे, और बाकी जितने भी टीचर्स हैं वो लोग उनके लिए चूज करते हैं, और अपने बच्चों को उन्हें ही भली भांति समझना होगा. अक्सर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप होता है, बच्चे पेरेंट्स से दूर भागते हैं. पेरेंट्स आते हैं तो बच्चों को बुखार चढ़ने लगता है, प्रॉब्लम्स आने लगती है. पेरेंट्स टीचर मीटिंग से बच्चे जो है कतराने लगते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम एराइजेस होनी शुरू हो जाती है. तो उसका बेसिक रीजन क्या है, हम लोग एज ए पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल अरेंज करते हैं, अपनी मैक्सिमम मनी वहां डाल देते हैं या कोचिंग सेंटर हम लोग चूज करते हैं. लेकिन हमारे यहां होता क्या है, एक क्लास में 30 डिफरेंट बच्चे होते हैं या 50 या उससे भी ज्यादा, और सभी बच्चों का आईक्यू अलग होता है, सभी की लर्निंग स्किल्स सेम होती हैं, और हम जो है उनको एक ही टीचर पढ़ाता है उन सभी बच्चों को एक ही तरीके से, और हम लोग उन्हीं सभी एक ही तरीके से चाहते हैं कि सभी लोग कामयाब हो जाएं. क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अक्सर क्लास में क्या होता है, होशियार बच्चे तो आगे निकल जाते हैं और कमजोर बच्चे पीछे रह जाते हैं. अब जो कमजोर पीछे रह गए वो हमेशा पीछे रहते होते चलते हैं, उसके बाद जो उनकी प्रॉब्लम शुरू होती है. पेरेंट्स अपनी तरीके से पूरी कोशिश करते हैं, स्कूल में भेजते हैं, कोचिंग में भेजते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं होता तो एक टीचर और भी इन्वॉल्व कर देते हैं उस सब्जेक्ट का. अब एक बच्चा तीन टीचरों को कैसे झेले और कैसे उनके साथ पढ़े, जबकि हम जानते हैं एक बच्चे के लिए एक टीचर ही सफिशियंट है. तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि भाई बच्चे को उसकी पेस के अकॉर्डिंग सीख ले. इसमें आज की तारीख में जो ई लाइब्रेरीज हैं ये बहुत यूजफुल है. इसमें बच्चों को वीडियोस मिल जाते हैं टीचर्स के, अपनी पेस के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं. यदि उनकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो उसको भी वो आपका रिपीट कर सकते हैं, और बच्चे को खुद क्वेश्चंस करने की आदत जरूर होनी चाहिए. 4 आवर्स किसी भी स्टूडेंट के पास होने चाहिए जिसमें ही विल डू हिमसेल्फ. ठीक है, वो उसमें अपने आप करे जो वो समझ रहा है. उस चीज से हम लोगों को बचना चाहिए कि वो कॉपी करे और बच्चों की. बच्चे अक्सर क्या करते हैं, क्लास में लाते हैं, कॉपी करते हैं और काम खत्म हो जाता है. मैथ्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है छोटी क्लास, जिससे टीचर्स क्या करते हैं उन लोग को पास करना शुरू कर देते हैं, भले उन्हें मैथ्स आता है या नहीं आता है. जब ये मैथ्स ही नहीं आता तो फिर हायर क्लासेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और या और सब्जेक्ट्स कैसे आएंगे. तो हम लोगों को मैथ्स पर विशेष एम्फसाइजेशन करना चाहिए छोटी क्लासेस से, क्योंकि बड़े लेवल पर आते आते 11th 12th के ये सब चीजें बच्चों से बिल्कुल बाहर हो जाती है. तो मैथ्स पर एम्फसाइजेशन रखना चाहिए, इंग्लिश पर रखना चाहिए, और बच्चे की ओरिजिनलिटी में कि जो कुछ वो करे वो उसका अपना ओरिजिनल वर्क, जिसमें वो किसी की हेल्प तो ले ले लेकिन कॉपी ना करे. इन तीन पॉइंट्स पर हम लोगों को मेनली बिगिनिंग से एम्फसाइजेशन करना चाहिए. उसके बाद बच्चे की जो भी नॉलेज है या जो भी वो सीखना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको सीखने में मदद करनी चाहिए. कंप्यूटर और आपका लैपटॉप्स या आईपैड,
ये आज की तारीख में बहुत यूजफुल है। कुछ पेरेंट्स आपके इन चीजों के फेवर में नहीं होते, लेकिन बच्चों को अपने सामने डेली एक दो घंटे इन चीजों को यूज करने देना चाहिए। इसमें गूगल अपने आप में कोई भी आप कीवर्ड डालें उस पर बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो उससे लोग बहुत सीखते हैं। और आज के युग में आज से 20-30 साल पहले के लोगों के मुकाबले नॉलेज लोगों की बहुत बढ़ गई है, तो उसका रीजन इंटरनेट ही है। तो इंटरनेट आपका एक नॉलेज का बहुत बड़ा सोर्स है, जिसका हमें बस यही देखना चाहिए कि बच्चे इसका सही यूटिलाइजेशन करें। इससे बच्चों को दूर रख के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। बच्चों को इनका यूज करने दें और इनके यूज से उन्हें आगे बढ़ने दें। आज के युग में हर टीचर के लेक्चर्स, बड़े से बड़े टीचरों के लेक्चर्स यूट्यूब में वीडियोस के रूप में अवेलेबल होते हैं। बच्चे उनको देखेंगे तो वो कुछ सीख सकते हैं अपनी पेस के अकॉर्डिंग, और क्लास में टीचर्स का भी वर्क कुछ कम होगा।
Fantastic. Now it's time to invite a friend.